मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ कैलाश चोटिया, मेरा नाम कैलाश चोटिया है। जैसा कि बच्चों आप मेरे से परिचित हैं, और जो रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, उसकी ओर से जो ऑनलाइन क्लासेज आपको घर बैठे उपलब्ध कराई जा रही है, उन ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा 11 में राजनीति विज्ञान में आपको पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों आपको पता है, हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ रहे हैं, उनके उद्देश्यों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो पहला उद्देश्य क्या है? लोगों का कल्याण करना, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करना। दूसरा है जीवन स्तर को उठाना, संसाधनों का समान वितरण हो, उत्पादन और वितरण के संसाधनों पर समाज के पूंजीपतियों का वर्चस्व नहीं हो, संसाधनों का समान वितरण हो और संसाधनों का लाभ है वो समाज का निचला तबका भी उठा सके। अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय शांति, सौहार्द, प्रेम, भाईचारे को बढ़ावा देना। अब हम पढ़ेंगे कि नीति निर्देशक तत्व के संबंध में कौन कौन सी नीतियां हैं। तो समान नागरिक संहिता, जिसे समान नागरिक संहिता भी कहते हैं, जिसके तहत सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून हो। दूसरा है मद्यपान निषेध, यानी कि शराब, मादक पदार्थों की पर पूर्णतः रोक। तीसरा है घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना। चौथा है उपयोगी पशुओं को मारने पर रोक, और ग्राम पंचायतों, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को प्रोत्साहन। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हाल ही में हमारे यहाँ पर पंचायतों के चुनाव भी हुए हैं, जिसके तहत पंचायती राज व्यवस्था के तहत त्रिस्तरीय व्यवस्था का गठन किया गया है, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। ग्राम पंचायत से सरपंच चुना जाता है, ब्लॉक स्तर पर प्रधान चुना जाता है और जिला परिषद जिला स्तर से पर ये जो जिला प्रमुख है वो चुना जाता है। इसके अलावा ऐसे अधिकार जिन्हें न्यायालय में दावा नहीं किया जा सकता, पर्याप्त जीवन यापन, ये अधिकार है, इसका हम न्यायालय में दावा नहीं कर सकते। महिलाओं और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान मजदूरी, ये तो सभी के लिए आवश्यक है। आर्थिक शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो दिया गया है, आर्थिक शोषण का अधिकार है वो दिया गया है। काम का अधिकार, सभी को रोजगार प्राप्त करने का अधिकार है, तो सभी को रोजगार देना सरकार का कर्तव्य है। तो पर्याप्त जीवन यापन, महिलाओं पुरुषों को समान कार्य के लिए समान मजदूरी, जिनके बारे में ऐसे अधिकार जिनके लिए हम न्यायालय में दावा नहीं कर सकते। तो पर्याप्त जीवन स्तर, महिलाओं और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन, आर्थिक शोषण के विरुद्ध अधिकार और काम का अधिकार। और लास्ट है 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखरेख और शिक्षा, ये जिसके तहत 6 से 14 साल तक के बालक बालिकाओं को 11वें मौलिक कर्तव्य के रूप में से शामिल किया गया है। 6 वर्ष से कम आयु की जो बालक बालिका हैं उनकी प्रारंभिक शिक्षा देखरेख की शिक्षा के लिए हम न्यायालय में वाद नहीं कर सकते हैं। तो कुछ अधिकार हैं ऐसे अधिकार जिन्हें न्यायालय में दावा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, जिन्हें न्यायालय में हम चैलेंज नहीं कर सकते। तो पर्याप्त जीवन यापन, महिलाओं पुरुषों को समान कार्य के लिए समान मजदूरी, आर्थिक शोषण के विरुद्ध अधिकार, काम का अधिकार, 6 साल से कम आयु के बालक बालिकाओं के लिए प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखरेख और शिक्षा। जैसा कि हम मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ रहे थे, तो व्यक्ति के रूप में व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षित करते हैं, परंतु नीति निर्देशक तत्व पूरे समाज के हित की बात करता है। नीति निर्देशक तत्व बताता है कि राज्य को क्या करना चाहिए, लेकिन जब कभी कभी सरकार नीति निर्देशक तत्व को लागू करने का प्रयास करती है तो वो मौलिक अधिकारों से टकरा सकते हैं। तो कभी कभी मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में टकराहट या आपस में टकराहट भी पैदा हो सकती है। तो नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो पूरे समाज के हित की बात करते हैं, राज्य के हित की बात करते हैं, राज्य की भलाई की बात करते हैं, राज्य के भले के लिए हमें प्रेरित करते हैं। जहाँ पर अधिकार व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षित करते हैं, नीति निर्देशक तत्व पूरे समाज के हित की बात करते हैं। लेकिन कभी कभी जब सरकार नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास करती है तो वो मौलिक अधिकारों से टकरा जाती है। समस्या तब पैदा हुई जब सरकार ने जमींदारी उन्मूलन कानून बनाने का फैसला किया। इसका विरोध इस आधार पर हुआ कि उसने संपत्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है, लेकिन यह सोचकर सामाजिक आवश्यकताएं व्यक्ति के से ऊपर है, अतः सरकार ने नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन किया।
तो सरकार ने नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए हमारे संविधान में संशोधन किया, हमारे संसाधन संविधान में वो बदलाव किया। अब इसमें एक लंबी कानूनी प्रक्रिया है, कार्यपालिका और न्यायपालिका ने इस पर परस्पर विरोधी दृष्टिकोण अपनाया। सरकार की मान्यता है कि नीति निर्देश तत्व को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसके पीछे ये धारणा है कि लोक कल्याणकारी मार्ग में बाधक अधिकार बाधक हैं। दूसरी ओर न्यायालय यह मान्यता देता है कि मौलिक अधिकार, दूसरी तरफ न्यायालय है वो इस बात की मान्यता देता है कि मौलिक अधिकार इतने पावन पवित्र हैं कि नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए इन्हें प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता, एक दूसरे से टकरावट नहीं पैदा की जा सकती। तो आज हमने नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों के बीच संबंध और नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के संबंध में हमने उनके उद्देश्य, उनकी नीतियों और ऐसे अधिकार जिन्हें न्यायालय में दावा नहीं किया जा सकता, इनके बारे में आपको बताया है। इनको पढ़ना है, लिखना है, याद करना है, समझना है, इनको अंडरलाइन करना है, इनको फेयर कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।